सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड इट्स माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। तो दोस्तों, अभी भी यहाँ पर रेडमी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ चुकी है उनके दो नए स्मार्टफोन्स के लॉन्च के बारे में। और यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने आपको एक स्मार्टफोन के बारे में बताया था आज से कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो में, जहाँ पर वो स्मार्टफोन था रेडमी का नोट नाइन नहीं है, रेडमी का नाइन है सिर्फ, जिसके बारे में मैंने एक कुछ लीक्स उस स्मार्टफोन के बारे में आई थी, जिसके बारे में मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर मार्च में लॉन्च होने वाला है। अब दोस्तों, फाइनली अभी अभी यहाँ पर रेडमी की तरफ से एक अपडेट यहाँ पर निकल कर के आ चुकी है, और यहाँ पर इसी रेडमी के 9 के ऊपर, रेडमी के 9 के मतलब लॉन्च के बारे में अपडेट है। और यहाँ पर उनका जो मी 10 है, 108 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन के बारे में, इसके ऊपर कुछ अपडेट आई है, जो कि मैं सारा चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। हालांकि दोस्तों, ये वीडियो मुझे यहाँ पर बनानी पड़ रही है, लेकिन अभी जो आपको सुबह सुबह ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, ये वीडियो आज शाम को यहाँ पर बन रही है और कल सुबह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। सुबह में जो वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाली थी वो यहाँ पर रेडमी के नोट 9 के ऊपर थी, जो कि वीडियो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, प्राइवेट है। हालांकि वो वीडियो आपको यहाँ पर दोपहर में मिल जाएगी। इस वीडियो को हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, क्योंकि जो न्यूज़ है वो यहाँ पर लेटेस्ट है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में यहाँ पर जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपडेट आई है Redmi के 9 के लॉन्च के बारे में है, और यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आई है Redmi की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर मार्च के बीच में, यानी मार्च के दूसरे हफ्ते में अपने दो स्मार्टफोन्स के यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं एक ही लॉन्च इवेंट में। मतलब एक ही दिन लॉन्च इवेंट होगा, उसमें दो स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। सबसे पहला जो स्मार्टफोन होगा वो होगा मी 10, जो कि 108 मेगापिक्सल के कैमरे वाला स्मार्टफोन है, मतलब जो कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। कुछ 40 से 41 या 42,000 रुपए के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है इंडिया के लिए। और सेम उसी इवेंट में एक और स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि लॉन्च किया जाएगा, वो होगा रेडमी का 9। अब यहाँ पर Redmi के 9 के बारे में बात करता हूँ, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आज जो अपडेट आई है उससे ये पता चला है कि आपको यहाँ पर पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है Redmi का। ये Redmi का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, जैसा कि कुछ लीक्स यहाँ पर निकल करके आई हैं, ये कंफर्म नहीं है, कैमरा लीक्स के बेसिस पे मैं आपको सारा चीज़ यहाँ बता रहा हूँ। हालांकि प्रोसेसर कंफर्म है। इसके साथ अगर बात करता हूँ रैम वेरियंट वगैरह की, तो 4GB 64GB स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ये बताया जा रहा है। और इसके साथ 5000mAh की बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी 18W के फास्ट चार्जर के साथ में। तो ये थी पूरी डिटेल यहाँ पर इस स्मार्टफोन की, Redmi के 9 की। अब हालांकि बात करता हूँ इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो बताया जा रहा है कि जो Realme का C3 लॉन्च हुआ था उसी स्मार्टफोन की जो प्राइस है सेम उसी प्राइस में यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर Realme के C3 को टक्कर देने वाला है। अब देखते हैं जो स्मार्टफोन है कैसा यहाँ पर आता है, और इसमें हमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा, जैसा कुछ अपडेट यहाँ पर आई है। तो देखते हैं फाइनली दोस्तों, जो स्मार्टफोन है कब तक यहाँ पर लॉन्च होता है। हालांकि जो अपडेट आई थी कल यहाँ पर, उसको मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगता है यहाँ पर इस स्मार्टफोन के बारे में, नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और आप यहाँ पर एक्साइटेड हैं कि नहीं है रेडमी के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में, उसको भी आप नीचे मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। अब दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आगे होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट से जो कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।